हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। टुडेज आवर टॉपिक इज साइक्लोटॉन। साइक्लोटॉन इज द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। साइक्लोटॉन इज अ डिवाइस। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट का जो लास्ट सेशन होगा, फोर्थ सेशन, उसमें हम एक डिवाइस पढ़ेंगे, दैट इज साइक्लोटॉन। साइक्लोटॉन बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। साइक्लोटॉन से बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, CBSE, ICSE, कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड में से क्वेश्चन कवर होते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप साइक्लोटॉन बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। आपका लॉन्ग आंसर टाइप का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ तैयार हो जाएगा। क्लियर? नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, फोर्थ पार्ट। आवर टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन जो इंस्ट्रूमेंट है वो साइक्लोन वर्ड से बना है। साइक्लोन आप समझते हैं, साइक्लोन मतलब हिंदी में बोलूं तो चक्रवात। आपने एयर को या वाटर में ईडी देखा है, भंवर। तो जब राउंड राउंड कोई चीज़ घूमता है उसको साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोट्रॉन उसी से मिलकर बना हुआ है, उसी वर्ड से बना हुआ है साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ पर किस चीज़ का साइक्लोन? यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल, इस पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं और उसके काइनेटिक एनर्जी को हाई लेवल पर ले जाकर उसी किसी न्यूक्लियस के साथ बम्बार्डिंग कराते हैं और उसको हम फिजन करते हैं। न्यूक्लियर फिजन के काम आता है। दैट मीन्स साइक्लोट्रॉन इज डिवाइस विच यूज्ड न्यूक्लियर फिजिक्स फॉर न्यूक्लियर फिजन। ये मैंने आपको इसका पर्पस बताया कि किस काम आता है। अब यहाँ पर हम एक इसका फिगर देखते हैं और फिगर से ही हम इसके प्रिंसिपल को आपको समझाएंगे। देखिए तो होता किस तरह से, इसमें मैग्नेट के इस तरह से कॉनकेव कटिंग, मैं पहले आपको समझाने के लिए फिगर बना दूं, फिर इसका जो रियल फिगर होता है मैं आपको अपने बोर्ड पर डिस्प्ले करूंगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट के टू पोल्स हैं। फिर इसमें टू डीज होते हैं। ये डीज क्या है, ये एक हेमीस्फेयर है, हालो हेमीस्फेयर है इस तरह से, इसको अपन बोलते हैं डीज, D1 एंड D2। ये किस तरह का सिचुएशन होता है मैं अपने हाथ से आपको बता रहा हूँ, ऐसा ये और ये। तो इसके अंदर जो हालो स्पेस है इसमें कोई चीज़ गोल गोल घूम सकता है। आपने देखा होगा किसी सर्कल में किसी चीज़ के अंदर में घूमते हुए, या आपको इमेजिन कराऊँ आपके प्रैक्टिकल अप्रोच पर, तो मोटरसाइकिल का चैन स्पॉकेट देखा होगा, उसका कवर देखा होगा जिसमें चैन मूव होता है, तो उसका एक कवर होता है। तो उसमें कवर के अंदर में जैसे चैन गोल 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 घूमता है, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर एक डीज होता है। डीज के सेंटर में होता है एक फिलामेंट। ये एक फिलामेंट है जहाँ से हम अल्फा पार्टिकल्स इमिट करते हैं, और ये जो डीज है यहाँ से हम कनेक्शन लेके इस तरह से ये कनेक्टेड होता है एक ऑक्सीलेटरी करेंट, दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करेंट इज ऑक्सीलेटरी करेंट, क्योंकि ये क्या होता है, एक बार पॉजिटिव निगेटिव ऐसा होता है, इसके साथ में कनेक्ट होता है। यह डीज, D1 जो डीज है उसे एक पाइप हम बाहर करते हैं इस तरह से, और ये जो पाइप बाहर आता है इसके पास एक यहाँ पर एक प्लेट लगा होता है, ये एक यहाँ एक प्लेट लगा होता है जो रेडिंग से मैं बना रहा हूँ, और ये होता है डिफ्लेक्शन प्लेट। ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है अपने तरफ अटैक, अभी प्रोसेस में बताता हूँ मैं आपको। और ये है टारगेट, ये टारगेट है। क्लियर? अब ये वर्क कैसे करता है, वर्किंग को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम यहाँ स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये जो फिलामेंट है वहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट होने लगता है, और D2 उस टाइम मान लो निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है सपोज, क्योंकि अल्टरनेटिंग करेंट में प्लस माइनस चेंज होते रहता है, तो ये पार्टिकल्स इधर मूव होने लगते हैं। ये उसके बाद थोड़ी देर बाद ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है, तो पार्टिकल इधर आ जाते हैं।
इस तरह से जो पार्टिकल है वो राउंड 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 ऐसा ऐसा घूमते जाता है, और जब ये आउटर मोस्ट अपने ऑर्बिटल्स में आता है तो ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट होता है जो निगेटिव नेचर का होता है, ये निगेटिव प्लेट है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और तेजी से बाहर आके टारगेट को हिट करता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ये अगेन एंड अगेन ऑक्सीलेट हुआ और इसका एनर्जी इंक्रीज होते गए, इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब तेजी से इसका राउंड 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 घूमने से क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाता है। लेकिन जब ये यहाँ पहुँचता है तो निगेटिव प्लेट, चूँकि ये पॉजिटिव पार्टिकल है, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव प्लेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और ये आ जाता है बाहर, और बाहर आके इसका स्पीड इतना अधिक होता है कि कंट्रोल नहीं होता और टारगेट को आकर हिट करता है और टारगेट को क्या करता है, इसके न्यूक्लियस को ब्रेक करता है। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि हम अल्फा पार्टिकल ही क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न यह है कि आपको पता होगा कि न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए पॉजिटिव पार्टिकल्स का ही जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम निगेटिव पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करा देंगे तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर लेगा, उसके साथ कोलिजन होना चाहिए, टक्कर होना चाहिए, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए टक्कर होना चाहिए, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये मैंने इसका प्रोसेस बताया, और यहाँ पर मैं आपको इसका कैलकुलेशन से पहले यहाँ आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ आपको रियल फिगर, इसके बाद इसमें हम इसके फार्मूले जो भी फार्मूला है कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप फिगर इसका देख रहे हो, ये जो साइक्लोटान मैंने यहाँ पर बनाया है वो उसका एक फिगर है, एक प्रॉपर फिगर है, यहाँ से भी मैंने पूरा समझा दिया आपको, लेकिन वहाँ से आप और बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए कि साइक्लोटान किस तरह से होता है, क्लियर। अब हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें थ्री पार्ट में कैलकुलेशन करेंगे, एक उसका गायरो रेडियस, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, एंड थर्ड इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट इज नाउ कैलकुलेशन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जब इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक साथ लगाते हैं, इफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन द अल्फा पार्टिकल देन लॉरेंट्ज़ फोर्स आप पढ़े हैं, लॉरेंट्ज़ फोर्स F इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन अभी मैंने बताया कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन थीटा इज 90 डिग्री। वैसे मैक्सिमम केस में हम वहां पर 90 डिग्री लेते हैं ताकि साइन थीटा को हम साइन 90 करके वहां से हटा सकें, साइन 91 होता है, तो मैं यहां पर लिख दिया सिंस थीटा इज 90 डिग्री तो साइन 90 को डायरेक्ट वन लिख दिया। एंड सेंट्रीपेटल फोर्स क्यों, यहां पर ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के वह सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। तो हियर द सेंट्रीपेटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर एम इज मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, वी इज इट्स वेलोसिटी एंड आर इज रेडियस। देयरफॉर ये जो लॉरेंट्ज़ फोर्स है उसी के कारण यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स डेवलप हो रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा किसी के इक्वल होता है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी। दैट इंप्लाइज यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ हम आर का वैल्यू फाइंड करें तो आर को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, वी कैंसिल हो गया तो हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू इंटू बी। तो ये जो रेडियस निकला इसको बोला जाता है गायरो रेडियस, आर वेरिएबल रेडियस। गायरो रेडियस का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप, अभी ये पार्टिकल क्या कर रहा है, अगेन एंड अगेन क्या कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो इसका रेडियस कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, सेंटर्स इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, दैट इज वेरिएबल रेडियस, वेरिएबल रेडियस इज कॉल्ड गायरो रेडियस। मतलब ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर आर वेरिएबल है क्योंकि अभी कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, उसका रेडियस चेंज होते जा रहा है, सेंटर से वो दूर जाते जा रहा है, क्लियर। नाउ इट्स टाइम पीरियड, अब चूंकि ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, ये ऑक्सीलेशन कर रहा है, ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, तो हम इसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2πr विच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिज, 2πr अपॉन वेलोसिटी इज v, दैट इंप्लाइज t इक्वल टू
टू पाई अपॉन वी एंड पुट अप द वैल्यू ऑफ आर, पुट अप द वैल्यू ऑफ आर विच इज एम वी अपॉन क्यू वी, एम वी अपॉन क्यू इंटू बी, दैट इम्प्लाइज टी इक्वल टू वी, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो टू पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी, ये हो जाएगा उसका ऑसिलेशन या टाइम पीरियड। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, अब यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी क्यू बी अपॉन टू पाई एम, दिस इज कॉल्ड गायरो फ्रीक्वेंसी। ये गायरो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो ये थ्री फार्मूला हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, सबसे पहले रेडियस, वेरिएबल रेडियस, एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। देखिए ये न्यूमेरिकल्स में सब फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है, ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इसका थ्री फार्मूला कैलकुलेशन किया, एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने बताया कि इस पार्टिकल को हम डी से बाहर कब करते हैं, जब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि जब ये बाहर निकलता है तो उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। तो नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, इसका जो रेडियस है वो मैक्सिमम हो जाता है। सपोज दिस इज कैपिटल आर, अब उस ऑर्बिटल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसके बाद फिर वो क्या होगा, सीधा बाहर निकल जाएगा, तो उस टाइम में इसके पास जो लॉरेंज फोर्स होगा, लॉरेंज फोर्स एफ इक्वल टू क्यू वी, अब यहां पर हम लिख देंगे मैक्सिमम क्यू वी इंटू बी साइन थीटा साइन 90, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर इज, अब ये गायरो रेडियस नहीं है, अब ये कांस्टेंट रेडियस है। स्मॉल आर और कैपिटल आर के डिफरेंस को आप समझना, स्मॉल आर अभी चेंज होते जा रहे हैं क्योंकि पाथ चेंज हो रहे हैं, कैपिटल आर कांस्टेंट है क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का रेडियस है, इसके बाद अब वहाँ घूमेगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों डिफरेंस आप समझना, और उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नाउ दे आर इक्वल देन एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी मैक्सिमम इंटू बी, क्लियर। अब यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक वी को कैंसिल आउट करा देते हैं और बाकी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वी मैक्सिमम इक्वल टू आर उधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ से क्यू बी आर डिनोमिनेटर में चला आएगा क्या, स्मॉल एम। अब हम क्या करेंगे, वी मैक्सिमम को काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स 1/2 एम वी स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज मल्टीप्लाई 1/2 बोथ साइड, हम हाफ एम वी स्क्वायर बना रहे हैं इसको, तो हो जाएगा 1/2 वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम स्क्वायर, हमने 1/2 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, दैट इम्प्लाइज यहाँ एम स्क्वायर में से एक एम को हम इसके पास ट्रांसफर कर देते हैं तो हो जाएगा 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू, एक एम ट्रांसफर हो गया है तो ये एम, अब हम इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है और वेलासिटी मैक्सिमम है तो उसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये हुआ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन पर मैंने एक छोटा सा स्पेशल सेशन इसलिए दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए और इसमें जितना एग्जाम में आपको पूछेगा उतना ही लिखना है। सपोज आपके एग्जाम में गायरो रेडियस तक पूछता है वहाँ कंप्लीट कर दीजिए। सपोज एग्जाम में आपको टाइम पीरियड तक पूछता है टाइम पीरियड में कौन कंप्लीट कर दीजिए। आपको फ्रीक्वेंसी पूछता है फ्रीक्वेंसी में करिए। लेकिन ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये बात आप ध्यान में रखना, यदि आपको ओनली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने बोलता है तो इसके पहले मैंने कैलकुलेशन का जो पॉइंट बताया उसको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ साइक्लोट्रॉन। एक बात थोड़ा सा रिपीट करता हूँ मैं, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, अगेन एंड अगेन उसको रिवॉल्व करता है और फाइनली क्या करता है उसको डी से बाहर करके जो टारगेट है उस न्यूक्लियस पर जाके कोलिजन करता है और उसको ब्रेक करता है। क्लियर? तो साइक्लोट्रॉन आप अच्छे से तैयार करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस फोर्थ सेशन के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का, मेरा फोर्थ सेशन के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको पूरे फोर सेशन के वीडियो आप वन बाय वन आप उसको जिस ऑर्डर में मैंने वीडियो बनाया है उसी ऑर्डर में आप उसको देखेंगे तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि सिलेबस का जो ऑर्डर होता है प्रॉपर होता है। फर्स्ट के बाद ही सेकंड समझ में आएगा, उसके बाद थर्ड फोर्थ, ये कोरिलेटेड होता है। ये बात मैं आपको अपने हर सेशन में याद दिलाता हूँ। ओके, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू।